हेलो बच्चों, वेलकम एक नई वीडियो के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं सबके लिए। दो बार सीबीएसई में आ रखा, एक बार 2000 में, एक बार 2007 में। ट्रिग्नोमेट्री का बेस्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो। कह रहा है आपको एलएचएस गिवन कर रहा है, इसको आरएचएस के इक्वल करना है। तो शुरुआत करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है आपको? ये गिवन है कॉस ए अपॉन 1 माइनस टैन। को क्या लिख सकते हैं हम? पहले काम करते, पहले गिवन लिख लेते हैं, क्योंकि ना सीबीएसई कहती है कि आपको ना स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, तो स्टेप्स हमें प्रॉपर करके दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे, वो भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। रफ काम करेंगे तो उसको अलग से एक कॉलम बनाएंगे। देखो, कन्वर्ट करना शुरू करें तो टैन को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन माइनस क्या लिखेंगे? साइन ए बाय कॉस ए प्लस साइन ए। कॉट को क्या लिखेंगे हम? कॉट को लिखेंगे कॉस ए बाय साइन ए, यस और नो? अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लो तो क्या आएगा हमारे पास? इट विल कम आउट टू बी, नीचे का एलसीएम क्या आएगा इनका? कॉस ए आएगा। ठीक है, और ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए। अब इसको गलती से भी काटने की कोशिश मत करना, क्योंकि कटेगा नहीं है। आपको हो सकता है दिखाई ना दे रहा हूं, बट मैं आपको भी दिखाता हूं। साइन ए का एलसीएम आ गया, ये आया साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अगर आपको इस चीज को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा एक तरीका बता दूं इसको सॉल्व करने का। हमने करना है क्या होता है, जैसे बचपन में करते थे ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, हम वही करेंगे। देखो, ये लिखूंगा मैं कॉस ए डिवाइड क्या कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये बात समझ आ रही है? प्लस साइन ए डिवाइड क्या साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और पूरे के अपॉन में नहीं है, अपॉन साइन है। अब देखो, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो तो ये होगा आपके पास कॉस ए इन टू कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन है, प्लस ब्रैकेट लगा देना, ये होगा साइन है, ऊपर चला रहा है ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो इन टू साइन है अपॉन साइन ए माइनस कॉस है। ठीक है, तो ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर है और नीचे एज इट इज लिख दो, क्या बचा? कॉस ए माइनस साइन है, और ये आ गया साइन स्क्वायर है, और नीचे क्या बचा? साइन ए माइनस कॉस है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। अगर आपको दिखाई दे रहा है ध्यान से, तो देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, कॉस का प्लस साइन का माइनस, साइन का प्लस कॉस का माइनस। तो हम एक काम करते हैं ना, माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए माइनस साइन है, ताकि ऐसे लेना इजी रहे मेरे, प्लस साइन स्क्वायर है। एक काम करूं, इनसे माइनस वन कॉमन ले लू तो साइन बदल जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन है। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? उस माइनस का भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, माइनस ऊपर आ जाता है, तो माइनस को आप ऊपर ले आओ, माइनस को आप ऊपर ले आओ, तो माइनस आ गया साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस ए माइनस साइन है। ठीक है, अब एलसीएम आ गया अपना, एलसीएम तो सीधा आ गया, दिख रहा है आपको एलसीएम, क्योंकि दोनों का क्या हो चुका है? डिनोमिनेटर सेम हो चुका है ना, तो एलसीएम हमारा यही होगा। तो एलसीएम क्या होगा हमारा? ये होगा कॉस ए माइनस साइन है, और न्यूमिनेटर में क्या है? यह है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, जैसे हम लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी, और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा भाई कॉस ए माइनस साइन है, माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला हमें आंसर चाहिए था, वो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये आएगा कॉस ए प्लस साइन है, जो था आपका राइट हैंड साइड। सो दिस इज द आंसर। सोचो एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन, एटलीस्ट 3 मार्क का आता है एग्जाम में क्वेश्चन। ये वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करोगे।